गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि मैटर ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब उसका कोई वॉल्यूम भी होता है। और मैटर किससे बनता है? मैटर पार्टिकल्स से बनता है। अब हम उन पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर क्या है? पार्टिकल्स से बना होता है। उन पार्टिकल्स के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला करेक्टरिस्टिक, दे आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जो मान लो एक आपके पास सॉलिड है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये कॉन्टीन्यूसली मूविंग होते हैं, ठीक है। ये उसके बॉडी के अंदर ही मूव करते रहते हैं। दूसरा है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस भी होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स की। कोई भी मैटर है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से। और पार्टिकल्स की ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो मूव करते हैं, उनमें स्पेस होता है और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पिक्चर है जो मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो इसमें क्या है? सॉलिड का क्या होता है? सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि सॉलिड की हम शेप तो नहीं चेंज कर सकते। एक टेबल है, आप टेबल की शेप चेंज कर सकते हो? नहीं। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। रिजिड मतलब हार्ड, सॉलिड हार्ड होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। और सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब अगर एक टेबल जितनी जगह ले रहा है वो उतनी ही जगह लेगा, वो अपना वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करेगा। तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब आता है लिक्विड। लिक्विड में आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। आप लिक्विड को गिलास में डालोगे पानी को तो वो गिलास की शेप ले लेगा, जग में डालोगे वो जग की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही बाउंड्रीज होती हैं। फ्लूइडिटी, लिक्विड फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब फ्लो करता है। पानी अगर गिर जाए फ्लोर पे तो वो फैल जाएगा। तो लिक्विड का है, फ्लूइड है। और लो कंप्रेसिबल, इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं तो ये इसको हम लो कंप्रेसिबल, कम कंप्रेस कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका डेफिनेट है, लेकिन ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। वॉल्यूम उसका उतना ही रहता है कि पानी गिलास में भी उतना ही है, जग में भी उतना ही होगा, लेकिन वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। अब गैस के अंदर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि गैस में पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं और गैस की कोई भी शेप नहीं होती। अगर सिलेंडर के अंदर आपके पास गैस है, अगर वो सिलेंडर हम खोल दें तो वो गैस पूरी जगह पे फैल जाएगी। तो गैस की कोई शेप नहीं है, ना ही बाउंड्रीज़ हैं। फ्लूइडिटी, गैस भी फैल जाती है इसलिए फ्लूइड है। हाई कंप्रेसिबल, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और गैस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, बिल्कुल भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जिस भी उसमें हम डालेंगे गैस उसी की शेप ले लेगी और पूरी फैल जाएगी। तो ये स्टेट्स ऑफ हमारे फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ और सबको ये लर्न भी होना चाहिए। अगला है कि हम स्टेट ऑफ मैटर चेंज कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनकी हम स्टेट चेंज कैसे कर सकते हैं? सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। किसके उससे? टेम्परेचर चेंज करके। सॉलिड हमारे पास मान लो आइस है, तो आइस को हमें वाटर में चेंज करना है। तो वो कैसे होती है? आइस को हम छोड़ देंगे, टेम्परेचर चेंज कर देंगे, कम कर देंगे, तो आइस वाटर में चेंज हो जाएगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर। और वाटर क्या गैस में चेंज कर सकते हैं?
वाटर से वाटर वेपर हम बना सकते हैं कैसे, इवेपोरेशन जो जिसे हम कहते हैं इवेपोरेशन से, वो भी टेम्परेचर होता है कि हम पानी के नीचे अगर आग आग लगाएंगे किसी पैन में तो वो पानी धीरे धीरे क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो क्या हुआ, वो लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, स्टेट चेंज हुई किसकी वजह से, टेम्परेचर के चेंज की वजह से। तो ये पहला पॉइंट है कि बाय चेंजिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज दी स्टेट ऑफ मैटर। दूसरा पॉइंट है बाय चेंजिंग प्रेशर। अब प्रेशर में कैसे है कि गैस के अंदर हमारे पास पार्टिकल्स हैं दूर दूर, अब इन्हें हमने हमें प्रेशर कर दिया, ऊपर से दबा दिया, तो ये पार्टिकल और पास पास आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड वाले को भी अगर हमने प्रेशर दे कर और दबा दिया तो ये पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, जैसे सॉलिड में है वो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो हम स्टेट चेंज कर सकते हैं किससे, दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, फर्स्ट इज़ बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड सेकेंड इज़ बाय चेंजिंग प्रेशर। तो ये दो पॉइंट है बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हमने, कल हमने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन क्या है। आज हमने पढ़ा है करेक्ट मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से, उसके करेक्टरिस्टिक्स, और सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं, उनके दो पॉइंट। तो बाकी हम जो है, जो भी है इस चैप्टर की इन्फॉर्मेशन हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल के लिए आपको जो आज सॉलिड लिक्विड गैस वाला पिक्चर मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो आपको नोटबुक में नोट करना। थैंक यू।